मनीष कश्यप पे यूएपीए की धाराएं लगाने का इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री के ऑफिस से जा चुका है। इस आदमी को बख्शूंगा नहीं। एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें ये आदमी लिप्त है। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है, नफरती यूट्यूबर मनीष कश्यप पर यूएपीए लगाया जा सकता है। इस मामले में बिहार सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार पुलिस कभी भी यूएपीए के धारा में मनीष कश्यप को नाप सकती है। इस संबंध में नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम 15 मार्च 2023 को पटना आकर एक मेल किया था। अब इस मेल को एसीएस होम को फॉरवर्ड करके उचित कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है। इस संबंध में निशांत वर्मा ने खुद वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ही कहा कि मैं बीते दिनों 15 मार्च को मनीष कश्यप के मामले में पटना आया था और मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया था जिसमें यह कहा गया था कि मनीष कश्यप पर यूएपीए लगाया जाए। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यह कब लगाया जाता है, इसके दायरे कितने बड़े हैं, वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे। और इस मामले को लेकर जो पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा था मेल के जरिए निशांत वर्मा ने, वो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें साफ साफ जो बातें लिखी गई हैं उसे आप शीर्षक में पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट में आप देखिए, यूएपीए अगेंस्ट मनीष कश्यप अका त्रिपुरारी कुमार तिवारी। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेम है, मनीष कश्यप के नाम से जाना जाता है। निशांत वर्मा ने 15 मार्च को चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, पटना बिहार, इनको थ्रू चीफ सेक्रेटरी इन्होंने मेल प्रेषित किया था, आवेदन दिया था, जिसके बाद आगे इस मामले को फॉरवर्ड कर दिया गया है एसीएस के पास। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें देखिए, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यह मेल जो है फॉरवर्ड किया गया है। दिस हैज बीन फॉरवर्डेड टू एसीएस होम डिपार्टमेंट, यानी एसीएस होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग को यह मेल फॉरवर्ड किया गया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। डेट भी लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर भी है 17/3/2023 को। इस संबंध में अब जानकारी यह आई है कि मनीष कश्यप पर यूएपीए की धारा लगाई जाएगी, जिसके बाद मनीष कश्यप को जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बुरा फंसेगा नफरती यूट्यूबर मनीष कश्यप। आज खबर यह भी आई कि इसके कुख्यात साथी नागेश कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ मनीष कश्यप से जुड़े तमाम उन लोगों तक पुलिस पहुंच रही है जिन लोगों ने इस तरीके के फर्जी वीडियो तमिलनाडु बिहार प्रकरण में वायरल किए। बिहारियों पर तमिलनाडु में हो रहे हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने वालों को पुलिस ढूंढ ढूंढ कर सलाखों के पीछे भेज रही है और इन लोगों ने जानबूझकर ऐसे भ्रामक वीडियो फैलाए जिससे तमिलनाडु की भी छवि धूमिल हुई और बिहारियों को लेकर भी एक भय का माहौल पैदा हो गया। इस मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, मनीष कश्यप को अरेस्ट किया, उसके बाद कई खुलासे होने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा ने यहां तक जानकारी दी है कि जब यूएपीए का केस इस पर लग जाएगा, उसके बाद मनीष कश्यप का जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें वह खुद हत्या कबूल रहा है, तो इस वीडियो के आधार पर भी मर्डर में उसकी संलिप्तता मालूम पड़ती है। इस पर भी कार्रवाई कराने के लिए उचित उपाय वो करने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रख्यात राजनीतिक विश्लेषक है। इस वजह से उनकी बातों को पुलिस विभाग ने भी, सरकार ने भी गंभीरता से लिया है कि मनीष कश्यप जैसे नफरती यूट्यूबर जो समाज में शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, वह मनुष्यता बढ़ाते हैं, वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसको लेकर निशांत वर्मा ने पहल की थी। पहली पहल कि सबसे पहले तो वह भय पैदा करता है, गुंडई करता है, दबंगई करता है, तो ऐसे में इस पर यूएपीए लगाइए क्योंकि ये आतंक फैलाने का काम करता है, कभी पुलिस के ऊपर हाथ छोड़ता है, मारने पीटने का काम करता है, स्कूलों में घुसकर गुंडागर्दी करता है। मनीष कश्यप पर बेतिया में ही 7 से अधिक मामले दर्ज हैं, अलग अलग थानों में, अलग अलग कांड में। वही इस मामले में फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में, भय पैदा करने के मामले में, आतंक फैलाने के मामले में मनीष कश्यप पर 3 केस दर्ज कर लिया गया, टोटल 10 केस।
इसके अलावा उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने भी एक के बाद एक कई खुलासे करने शुरू किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ी खबर तो यही सामने आ गई कि मनीष कश्यप पर यूएपीए लग गया। यूएपीए का दायरा हमने कहा बहुत बड़ा है, क्या होता है यूएपीए वो भी हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शेयर किया विनय दुबे ने मनीष कश्यप के ऊपर यूएपीए की कार्रवाई और एक वायरल वीडियो में दो लोगों की इनके द्वारा हत्या के कबूली मामले में बिहार गृह मंत्रालय ने हमारी याचिका को मंजूरी देते हुए कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए, स्टेटमेंट उनका शेयर किया है। निशांत वर्मा जी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके स्टेटमेंट को विनय दुबे ने शेयर किए हैं और ब्रेकिंग न्यूज के तर्ज पर इन्हें प्रकाशित भी किया है। लेकिन बड़ी खबर है क्योंकि अब अगर इस मामले में निर्देश दे दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है, तो मनीष कश्यप और उनके साथियों पर यूएपीए के तहत भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यूएपीए में मनीष कश्यप नपे तो लंबे सलाखों के पीछे जाएंगे और उनके लिए निकलना इतना भी आसान नहीं होगा। हालांकि बिहार बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें जानकारी मिली कि कहीं कोई बड़ी खबर बिहार बंद को लेकर नहीं आई, जिससे लगे कि हाँ मनीष कश्यप के समर्थन में लोग खड़े हैं। हाँ, कुछ कुछ लोगों का ग्रुप जरूर दिखाई पड़ा, 10-20 लोगों का समूह जो किसी बस को रोककर या फिर वैसे जगहों को चुनकर कि ट्रैफिक को जाम करें तो वो बिहार बंद जैसा दिखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के लिए बिहार की करोड़ों जनता सड़क पर उतर आई है, कतई नहीं है। तो ये भ्रम पालना बंद करना होगा कि जो समाज में गुंडई करेंगे, आतंक फैलाएंगे, उसे समाज अपना हीरो मानेगा, ऐसा नहीं होता है। समाज का हितैषी वही होगा जो गांधी के रास्ते पर चलेगा। मनीष कश्यप जैसे गुंडे तो गांधी की मौत पर जश्न मनाने वाले लोगों में से शामिल हैं, क्योंकि इनका यह वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो खुले तौर पर जमा मस्जिद को आग लगाने की बात, मुसलमानों को मार डालने की बात, गांधी की मौत पर जश्न मनाने की बात करता दिखाई पड़ रहा था। इसके साथ कुछ लोग और थे, उन सब की भी तलाश जरूरी है, क्योंकि ऐसे नफरत फैलाने वालों को इतनी आसानी से अगर समाज में खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये समाज में कौन सा रंग दिखाएंगे। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से मनीष कश्यप फला फूला, उसके पीछे ना जाने किसका हाथ है, लेकिन उन्होंने जितनी गुंडई की है, जितना माहौल खराब किया है, उस मामले में तो इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जरा देखते हैं कि यूएपीए एक्ट होता क्या है, इसमें क्या कार्रवाई इन पर होगी। टीवी 9 भारतवर्ष में लिखा है कि गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला यूएपीए एक्ट काफी खतरनाक होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी यह एक्ट लगाया जाता है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में भी पुलिस ने यूएपीए एक्ट लगाया था और इसी एक्ट के तहत जेएनयू के छात्र रह चुके उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई थी। यानी मनीष कश्यप भी कुछ इसी तरीके की हरकत करता नजर आया था, वैचारिक विरोध, नफरत भरे वीडियोज, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, पुलिस के साथ बदतमीजी करना, ना जाने कितने मामले हैं, प्रिंसिपल पर, टीचर्स पर हाथ उठाना, ये सब भी इनके ऊपर पहले से केस दर्ज है। अगर इन सब को अगर व्यापक स्तर पर देखा जाए तो यह भय पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर इस तरीके की यूएपीए कार्रवाई हो सकती है। पुलिस को यह निर्देशित कर दिया गया है, ACS होम के पास पत्र पहुंच चुका है, तो बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसमें बताया गया है कि यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है। धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इस एक्ट के सेक्शन 43D(2) में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुना करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल सकती है, वहीं न्यायिक हिरासत 90 दिन की भी हो सकती है। बता दें कि अन्य कानूनों में अधिकतम अवधि 60 दिन ही होती है। वही इस मामले में अग्रिम जमानत जो इंटरिम बेल की बात होती है वो भी संभव नहीं है। तो ऐसे में मनीष कश्यप की राहें बहुत मुश्किल होने वाली है और इनके राह पर चलने वाले उन तमाम नफरती यूट्यूबर को भी संभल जाने की जरूरत है जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई का वक्त आ गया है और शुरुआत शायद मनीष कश्यप से हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टीवी सच सबसे आगे।